देखो उस टाइम तक तो मैं उस टीम का हिस्सा नहीं था, और बाद में आया हूँ मैं उस टीम में। इस बारे में मेरी कोई बात नहीं हुई उनसे। देखो जो ऑलराउंडर की भूमिका किसी भी प्लेयर जो भी अपनी टीम में निभाते हैं, वो हर जो साइड होती है, लेफ्ट कॉर्नर या कवर या राइट जो भी है, तो वो हमारा जब पॉइंट चला जाता है जैसे राइट कॉर्नर से, तो जैसे मैं अपनी टीम में मैं वहाँ जाके खेलता हूँ। और रेडिंग में जब हमारे रेडर पॉइंट नहीं लेके आते या उनकी टैकल हो गई है तो मैं बचता हूँ, तो फिर मैं ही जाता हूँ रेड के लिए। और ऑलराउंडर का सबसे मेन बात है सबसे ज़्यादा फिटनेस, क्योंकि वो हर ग्राउंड में जो 7 प्लेयरों की तरह खेलता है, किसी भी साइड पे जाके खेलना पड़ सकता है उसको। क्योंकि ऑलराउंडर ये तो है नहीं कि एक रेडर है जो रेडिंग का ही काम है, उसका टैकल करने का काम नहीं है, पर ऑलराउंडर ने टैकल भी करनी पड़ती है और रेडिंग भी। कबड्डी के जो हर खिलाड़ी हैं, जूनियर है सीनियर है, मेरा मानना है कि वो कोई भी गेम नहीं होगा जो आपस में, जो हमारी जो कबड्डी एक फैमिली है, चाहे वो कहीं से भी हो, तमिलनाडु से हो या हरियाणा से या जैसे अजय है, तो एक दूसरे का जो जो भी खिलाड़ी है हमारे में बहुत ज़्यादा प्यार है। कबड्डी एक फैमिली की तरह है। हम मैच में हाँ देखते होंगे आपके आमने सामने खड़े होते हैं, मारदार का गेम ही ऐसा है ये कबड्डी, तो उससे बाहर जो जब निकलते हैं तो बहुत जो मतलब एक दूसरे को दोस्त भाईचारा बहुत अच्छा है हमारे में, ऐसी कोई बात नहीं है। एक से किसी को भी अगर कोई दुख की बात है तो हम सब उसके साथ खड़े रहते हैं, और सुख में भी जैसे अभी आगे अजय ठाकुर की शादी होगी तो आप देखोगे बहुत से कबड्डी खिलाड़ी मिलेंगे आपको वहाँ पे।